हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज है 16 तारीख, 16 फरवरी। और घर में है मैं, अंजलि और सोनी दी। हम तीन जने हैं घर पे और कोई नहीं है घर पे। और अभी दिन के बज रहे हैं 2:12। प्रॉपर टाइमिंग बता दिया मैंने आपको, 2:12 हो रहे हैं। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, सुबह से उठ के बस खाना बनाया मैंने, और अंजलि ने थोड़ा बहुत काम किया घर का, और थोड़ा दीने किया है। बाकी अभी सब नहा धो के खा के सब अपने अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अंजलि पढ़ने जा रही है, थोड़ा अभी धूप में बैठे थे हम लोग थोड़ा सा घर में ही। और सोनी दी सो रही है, और मेरे को भी नींद आ जाती है दिन में बहुत, पर आज आ नहीं रही है। तो सोच रही थोड़ा पढ़ लेती हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ मैं इतने दिन से कुछ, तो मैं अभी पढ़ूंगी और अंजलि भी पढ़ने बैठ रही है। मैं दिखाती हूँ सब घर में कर क्या रहे हैं, और बाकी आगे आगे बताती हूँ वीडियो में कि हम तीन जने ही क्यों हैं घर पे। और आज का दिन दिखाते हैं हम लोग, दिन से ही शुरू किया है मैंने, सुबह से नहीं किया। तो अपना रूटीन दिखाएंगे आज का कि क्या है हमारा, जब घर में कोई नहीं है ज़्यादा लोग, हम तीन जने गर्ल्स बचे हुए हैं, तो ऐसे बोरिंग डे निकलता है। और हम तीन जने कब से ही हैं, मतलब आज हो गया है 1 हफ्ता शायद, 10 तारीख से ऐसे ही चल रहा है कि हम लोग तीन जने ही ज़्यादातर घर में रह रहे हैं, और बाकी सब अभी बाहर ही हैं। तो वीडियो में बताऊंगी आगे कि हम तीन जने ही क्यों हैं। और थोड़ा सा मैसी सा हो रखा है बिस्तर, पर मैसी नहीं है, ओढ़ने के लिए ऐसे खोल के रखा है। मेरे को बहुत ठंड लगती है इसलिए मैं आते ही कंबल ओढ़ लेती हूँ। और मेरी किताबें पता है आपको कहाँ रहती है, ऐसा लगेगा नहीं कि इस रूम में कोई पढ़ने वाला है, एक जगह से लगेगा बस, जैसे यहाँ पर बुक रखी हुई है। तो ये मेरी नहीं है, उनकी है, और मेरी यहाँ पर छुपा के रखी रहती है कागज ये भी। जब मन करे बैठे बैठे बुक निकालो और पढ़ लो। तो अभी पढ़ती हूँ मैं भी थोड़ी देर, और बाकी दिखाती हूँ और अंजलि वगैरह क्या कर रहे हैं। घर में तो पूरा अंधेरा सन्नाटा सा एकदम हो रखा है, बिल्कुल भी कोई हल्ला नहीं करता। तो देखिए आप लोग भी, तब शांति और अंधेरा कायम रहे है। और इधर हेलो, मैंने वीडियो में बोला पढ़ाई कर रहे हो और ये पढ़ाई चल रही है। अच्छा ये व्लॉगिंग देख रही है, मैं बोल के आई हूँ ये पढ़ाई कर रही है, तो ये व्लॉग देख के पढ़ाई करेगी। हाँ। और दी सो रही है वहाँ पे, और उनके खराटे सुनाती हूँ। तो अभी 6 बज चुके हैं, और अभी सबका सोना हो चुका है और सबका पढ़ाई हो चुका है। जिसको पढ़ना था वो पढ़ चुका है, जिसको सोना था वो सो चुके हैं, सो के उठ गए हैं। तो आज सब सोच रहे हैं कि खाना ना बना करके, क्योंकि इनका खाना रखा हुआ है, तो सोच रहे हैं कुछ मतलब ऐसे ही बना ले, जैसे पास्ता मोमोस टाइप। तो वही बन रहा है अभी, पास्ता जो कि अंजलि बोल रही है वो बनाएगी, और मोमोज बनेगा, और मोमोज बनेगा वो मैं बनाऊंगी। तो मोमोज थोड़ा लेट से बनाएंगे क्योंकि सोच रहे हैं रोटी वही खा लेंगे और मोमोज खा लेंगे, क्योंकि अभी शाम तो हो ही चुका है, शाम में मोमोज खा के खाना खाना बहुत हैवी हो जाएगा ना, इसलिए। बाकी मैं दिखाती हूँ ये दोनों दोनों जने क्या कर रहे हैं, मैं तो अपने आप को दिखाई नहीं। हमको भूख लग रहा है और ये लोग कुछ बना नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ बना नहीं, बन रहा है और इनको लग रहा है कुछ बन नहीं रहा। या मिर्ची की जांच लग रही है, ये हमारा रील्स देख रही हैं, रील्स वीडियो आप भी देखिए। और यहाँ पे ये नाश्ते नाश्ते काम कर रही है, इसको शौक चढ़ा है कि इसको बनाना है, इसलिए। और मोमोज की चटनी बनाने के लिए बहुत इसलिए खांसी हो रही है। तो वो खिड़की खोलते चला जाएगा घास। तो अभी बनाते हैं हम ये सब और आपको भी दिखाएंगे। बाकी इनको तो दिखाई दिया मैंने, टाइम दिखाना है आपको, टाइम दिखाती हूँ, रुकिए, दिख रहा होगा टाइम, 6 बज चुके हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये पास्ता बन चुका है और सब खा रहे हैं। इसका इसका फेस तो बॉटल से ढक गया, पर मैं दिखा रही इधर से। तो खाते अभी हम पास्ता, और बन रहा है चाय, चाय पियेंगे और फिर मोमोज बनाएंगे। टाइम हुआ है 6:20। तो अभी हम छत पे आ चुके हैं और यहाँ पे शादी है यहाँ घर के आसपास, और वहाँ पे इनविटेशन भी आ रखा है हमारे घर के लिए, पर यहाँ मम्मी है नहीं और मैं कहीं जा नहीं सकती, तो हम लोग यहीं से देख रहे हैं सामने से। आपको भी दिखाती हूँ,
तो यहाँ पे शादी चल रही है और इन दोनों शादी नहीं चल रही है, मतलब सॉरी शादी का रस्म चल रहा है। इन दोनों को जाने में थोड़ा शर्म आ रहा है, ये कोई बड़े हैं नहीं ना, ये लोग छोटे हैं और ये लोग कुछ कर नहीं सकते वहाँ जाके, क्योंकि हल्दी का रस्म चल रहा है। तो ये लोग सोच रहे क्या करने जाएं, पर मम्मी है नहीं और कोई बड़ा है नहीं, तो इन लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हल्दी का रस्म चल रहा है और हम यहाँ से इंजॉय कर रहे हैं हल्दी का रस्म। कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम यहीं से अटेंड कर ले रहे हैं और फिर ये थोड़ी देर बाद बताएंगे जाके कि मैंने वहाँ से सब देख लिया है। वहाँ जाके शक्ल दिखाएंगे खाली। तो ये देखिए ऐसे हम लोग शादी देख रहे हैं घर के सामने से, अपने छत से, उनकी छत की शादी नहीं हल्दी कलश देख रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए, बाकी अभी ये दोनों जने जाने वाले हैं वहाँ और मेरे को घर में अभी अकेले रहना है। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये अच्छा ये लोग चले अपना वहाँ हल्दी में, हल्दी इंजॉय करने, और मैं चली घर में। ओके बाय। नहीं नहीं मैं घर में जा रही हूँ। तो ये लोग तो जा चुके हैं सामने में, मतलब जिसके घर में से इनविटेशन आया शादी का उनके यहाँ हल्दी में, और मैं अभी अकेले हूँ घर पे। तो मैंने सोचा मोमोज बनाना ही है तो मैं उसकी तैयारी कर लेती, थोड़े से जैसे कि चटनी बना लेती हूँ मोमोज की, और थोड़े बर्तन गंदे जो है उसको धो लेती हूँ, और बाकी वो लोग बोल गए हैं जल्दी आ जाएंगे। तो जब तक मुझे थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ और फिर मोमोज बनेंगे तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। बाकी हाँ मैंने बोला था कि हम लोग घर में अकेले क्यों हैं, मतलब वो मैं बताती हूँ आगे वीडियो में। तो हम लोग तीनों जने अकेले इसलिए हैं क्योंकि पापा मम्मी तो गाँव गए हुए हैं शादी में, बुआ की लड़की की शादी है उनकी शादी में गए हुए हैं, और उनकी शादी कल परसों में ही है, और ये गए हुए हैं रांची और वो गए हैं बिहार। मम्मी पापा ये रांची इसलिए गए हैं क्योंकि इनका मतलब इनको जॉब से रिलेटेड काम है कुछ, तो ये वहीं पे है रांची में। तो यहाँ पर मैं, अंजलि और सोनी दी बचे हैं तीनों जने। तो वही हम तीनों जने ऐसे ही बोर होते रहते हैं, तीनों गर्ल्स एकदम घर में अकेले। और मैं तो आज तो ये लोग घर पे ही थे दोनों जने, अब कल तो दोनों रहेंगे नहीं, मेरे कल घर में दिन भर अकेले रहना है क्योंकि अंजलि जाएगी कॉलेज और सोनी दी ये अब आई है 9:15 बजे और दी अंदर है पापा जी से बात कर रहे हैं। तो मैंने एक बार का चढ़ा दिया इसमें कि इसमें टूटेगा नहीं ना, तो इसीलिए तो अभी आई है तो हेल्प करा रही है। मैं उतनी देर से कर रही थी अपना अकेले ही, मन तो लग नहीं रहा था तो अकेले ही बनाने में लगी पड़ी थी मोमोज। अच्छा तो यहाँ मोमोज चढ़ा है, निकलेगा तो दिखाऊंगी। और ये रहा सॉस, अभी गर्म है इसलिए ढक के नहीं रखा है, फिर आप बोलेंगे ढक के नहीं रखते ऐसे फैला के रख रखा है तो ठंडा हो जाएगा, तो उसको ढाकेंगे इसे। तो अभी इतने इसकी लोई करके रख रखी है और ये बेल रही है, फिर मैं इसके अंदर फिलिंग डालूंगी। तो जब तक ये हो जाएगा तो मैं होता है तो मोमोज दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मोमोज बन के तैयार है, तो मैं अब इसको निकाल रही हूँ प्लेट में, चलते हैं खाने गरम गरम मोमोज। देख सकते हैं आप ये मैंने बनाए हैं, और बाकी ये तो अभी स्टीम मोमोज है, उसके बाद फ्राई मोमो बनाते हैं तो वो दिखाएंगे कि कैसा लगता है। तो देखिए अभी इतने पीसेस एक बार में हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं खाने से और फिर फ्राई मोमो दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे फ्राइड मोमोज बनने की तैयारी हो रही है, मतलब तैयारी क्या फ्राई हो रहा है मोमोज। अच्छा कोई नहीं अभी देखते हैं हम। तो अभी हम फ्राइड मोमोज खाते हैं, और अब एक बार मोमोज बन गया और हम खा चुके हैं, और पत्ता गोभी का वो क्या बोलते हैं फीलिंग कम पड़ गया था, तो हमने पनीर घर में ही होममेड बना के और उसका क्या बोलते हैं मोमोज बनाने के लिए तैयार किया है। तो दिखाती हूँ मैं अभी, देख सकते हैं होममेड पनीर और मोमोज ये बन रहे हैं। और ये बाकी अंजलि अपनी मम्मी से बात कर रही है, तो अभी हम फ्राई मोमोज खाएंगे, तैयारी हो रखी है फ्राइड मोमोज की। चलो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और वैसे पीछे से गाना चल रहा होगा तो उसे नींद आ रही है इसलिए गाना जा रखा है, इसलिए नींद ना आए। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।